नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ और इस समय मैं खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर में खड़ा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये गर्भगृह जाने का रास्ता है, मुख्य द्वार, और ये 920 ईस्वी में बना हुआ मंदिर है और पंचायतन मंदिर एक बार मैंने पूर्व में बताया है। लेकिन इस मंदिर की विशेषताएँ बहुत सारी हैं, इसलिए मुझे यहाँ पुनः आना पड़ा और मैं आपको एक बार पुनः इस मंदिर की भाव यात्रा पर लिए चलता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। यहाँ से जब हम मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं तो ऊपर आप देखते हैं कि गजलक्ष्मी एक तरफ है, दूसरी ओर भगवान सूर्य को अदिति रूप में दिखाया गया है। उनके हाथ में कमल का पुष्प है, आप देख सकते हैं। ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ऊपर जो छत है उस पर भिन्न अलंकरण है, पत्र पुष्प आदि आप देख सकते हैं। यहाँ से हम प्रवेश करते हैं गर्भगृह में। खजुराहो में केवल एक मंदिर ऐसा है जहाँ पर कि नियमित रूप से पूजा होती है, वह मतंगेश्वर महादेव का मंदिर है। और ये सभी मंदिर जो आप देखते हैं ये सब पूजा आदि से विहीन हो चुके हैं, लेकिन इनके जो गर्भगृह हैं वो अत्यंत ही दिव्य हैं, अत्यंत ही प्रभावशाली। और जब आप इस गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तब आपको मंदिर के वैभव का अनुभव होता है। ऊपर जो मूर्तियां उत्कीर्ण हैं आप उन्हें देखिए। और मैं आपको यहां से भगवान विष्णु की एक प्रतिमा भीतर स्थापित है उसके दर्शन करवाता हूं। ये मुख्य गर्भगृह है और ये संधार शैली में बना हुआ मंदिर है। संधार शैली का मंदिर यानी कि गर्भगृह के बाहर जिसमें प्रदक्षिणा पथ बना होता है, तो यहाँ से आप प्रदक्षिणा पथ पर भी जा सकते हैं, मैं आपको लिए चलूँगा। यहाँ आप देखिए कितनी सुंदर मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, ऊपर से नीचे तक अष्टदिक्पाल और सभी देवी देवता विराजित हैं। और यहाँ से आप इसके प्रदक्षिणा पथ पर जब आप चलते हैं तब इसकी विराटता और इसकी सुंदर कलाकृतियों का धीरे धीरे आप दर्शन करते हैं। ये देखिए ये मूर्तियाँ कितनी सुंदर हैं। और ये जो मंदिर, इसका जो बाहरी, इसके जो कॉलम्स बने हुए हैं वो सब कितने विशिष्ट, कितने महीन, ऐसे चिकने प्रतीत होते हैं जैसे लगता है कि लकड़ी के बने हुए हो, इन्हें चंदन के बने हुए हों, ऐसा धोखा होता है, किंतु ये बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। यहाँ पर देवियों की प्रतिमा के अतिरिक्त शार्दूल की प्रतिमाएँ मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि एक पशु रूप में दिखलाया गया है जिसका मुख किसी और का है और निचला हिस्सा किसी और का। कुछ एक मूर्तियां खंडित हो गई हैं, लेकिन गर्भगृह में आने के बाद इसकी भव्यता का अनुभव होता है। इनको बहुत ही तरीके से बनाया गया और इसमें बताया जाता है कि मथुरा से 16,000 मूर्तिकारों को बुलाया गया था जिन्होंने 7 वर्ष तक निरंतर यहाँ कार्य करके इस मंदिर का निर्माण किया। ये लोकमत है, इतिहास में इसके प्रमाण आप खोजेंगे तो संभवतः नहीं मिलेगा, लेकिन लोकमत इतना दृढ़ है और इतना स्थायी है कि आप उसे नकार नहीं सकते। इन मूर्तियों को आप देखते चलिए और इसकी सुंदरता का अनुभव कीजिए। ये मंदिर और कंदरिया महादेव मिलते जुलते मंदिर हैं। चूँकि यह कंदरिया महादेव से पहले बना है इसलिए यह अति महत्वपूर्ण है और एक पंचायतन मंदिर है। पंचायतन मंदिर यानी मुख्य देवता के अतिरिक्त 4 उपदेवताओं को समर्पित, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा और बाहर ले चलूंगा। वहां आप देख सकेंगे कि जो 4 छोटे मंदिर हैं वो आज भी विराजमान हैं। और यही एक इकलौता मंदिर है खजुराहो का जो पूर्ण रूप से, जिसे कहा जा सकता है, सुरक्षित है, जो बचा हुआ है लगभग पूरी तरह से। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं यह देख पा रहा हूँ कि जो इसका भीतरी गर्भगृह है, जो गुड़ मंडप जिसे हम कहते हैं, जो स्तंभ हैं उनमें, और कंदरिया महादेव का जो भीतरी हिस्सा है उनमें एक बहुत बड़ी समानता है। दोनों एक ही वास्तु कला के मंदिर प्रतीत होते हैं। और यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ और इसके बाहरी परिक्रमा पथ पर इसकी भिन्न जो अन्य जो विशेषताएँ हैं
उनसे परिचित करवाने का प्रयास करता हूँ। आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि इन मंदिरों के बारे में बतलाना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। अगर आप बीच में चले जाएंगे तो फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें मिस कर जाएंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं या आपकी इच्छा है। यहाँ पर इस मंदिर में आप देखते हैं ना, जब हम मंदिर में आते हैं तो जब बाईं दिशा का परिक्रमा पथ है, यहाँ ऊपर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। ऊपर जब हम बढ़ते हैं धीरे 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 तो छोटी छोटी मूर्तियाँ हमको दिखाई देती हैं, गजदल सैनिक और सिंह, कीर्तिमुख भी आप देखते हैं। कीर्तिमुख जो एक राक्षसी प्रतिमा होती है जिसमें कि वह स्वयं अपने शरीर को खा रहा होता है और उसके भुजाएं सिर्फ बची हुई होती हैं, ऊपरी हिस्से में आप देखते हैं। फिर ऊपर जब हम बढ़ते हैं तब डेढ़ डेढ़ दो दो फुट की प्रतिमाएं हमें दिखती हैं, जो कि गंधर्वों, यक्षिणियों और नागकन्याओं, इन सब की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर आप कुछ नृत्य करती स्त्रियों को देखते हैं। यहाँ नीचे गजों की उपस्थिति बहुत ही बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि हर प्रतिमा के बाद जो है उन्हें आप पा सकते हैं। नीचे यहाँ पर कीर्तिमुख, जिसके बारे में मैंने कहा था, ये जो आप देख रहे हैं ये कीर्तिमुख ही नहीं कहते हैं, ये हमारे मंदिरों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं प्राचीन मंदिरों में। इस तरह से यहाँ से धीरे 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 हम मंदिर के दूसरे हिस्से में जाते हैं और देखते हैं। चूँकि मैंने कहा कि यह पूर्ण रूप से सुरक्षित मंदिर रहा है, इसलिए इसकी महत्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है। और यहाँ पर आप कुछ प्रणय भाव में कुछ मैथुन की मूर्तियाँ भी आप देखते हैं, जिनके लिए खजुराहो को बहुत लंबे समय तक बदनाम किया जाता रहा या इसी उद्देश्य से लोग यहाँ आते रहे, जबकि ये बहुत कम हैं अपनी संख्या में, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ से मैं इसके पिछले हिस्से पर चलता हूँ और आप इधर देखिए, सामने आप देख रहे हैं एक छोटा मंदिर है। जैसा मैंने कहा था कि पंचायतन है, इसलिए चार अलग अलग मंदिर यहाँ मिलते हैं। एक मंदिर यहाँ सामने दिखाई पड़ता है, यह भी एक उप देवता को समर्पित है। और एक इधर इस दिशा में जो थोड़ा बड़ा मंदिर है वह है, और एक अन्य इसके बाद जो बाहरी हिस्सा है, जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उसके दाहिनी ओर वह मंदिर वहाँ पर स्थापित है। यह पंचायतन मंदिर होने का प्रमाण है। इस मंदिर में भीतर एक बड़ा ही सुंदर शिलालेख भी है, जिसे पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, वह अत्यंत ही सूक्ष्म और छोटे छोटे अक्षरों में उत्कीर्ण है, इसलिए हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं। यहाँ कुछ एक मूर्तियाँ हम खंडित पाते हैं, लेकिन यह मंदिर बचा हुआ है पूरी तरह से लगभग, और अपने वैभव, अपने रूप को, अपने सौंदर्य को हमारे सामने रखता है, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और खजुराहो एक ऐसा स्थल है जहाँ एक बार में आप इन मंदिरों के बारे में नहीं जान सकते, आपको बार बार आना ही पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।